जेड़ो कोई न आए जी। नाज़िन मैंने दिखाया आप लोगों को बहुत प्यारे प्यारे जानवर, चले मैं और आपको विजिट कराता हूँ हुसैनाबाद की गलियों में, रश देखें, इतने प्यारे प्यारे खूबसूरत खूबसूरत जानवर, चले आपको दिखाता हूँ भाई। देखें कितना खूबसूरत जानवर है, सलमान भाई कैमरे पे, सलमान भाई दिखाएं कितना प्यारा लग रहा है ये जानवर। और यहाँ पर भी कोई बात करने के लिए हमसे, हाँ एक लेडीज जी। नाज़िन आपने विजिट किया, चले आए आपको दिखाते हैं, एक लेडीज बैठी हुई है, हम उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहना चाहती हैं बकरीद के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या मैं आपसे कुछ बात कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं आपका भाई। बहुत बहुत मुबारक हो, आपका जानवर देखा मैंने, बहुत खुशी हुई मुझे, बहुत प्यारा है। आप क्या कहना चाहती हैं? मैं यही कहना चाहती हूँ कि हम लोगों ने ये जानवर लिया है, अल्लाह ताला कबूल करे, सुन्नत इब्राहिमी के लिए कर रहे हैं हम लोग, अल्लाह ताला कबूल करे और अल्लाह ताला सबको तौफीक अता करे। और माशाल्लाह से जानवर लिया है, दोनों बकरे वगैरह लिए हुए हैं हम लोगों ने, और यही चाहते हैं कि और भी कुर्बानियाँ हों, और भी है ना, अल्लाह ताला हमारे मुसलमानों को हिदायत दे, करे, और करना भी चाहिए, और अल्लाह ताला कबूल करे, मंजूर करे। थैंक यू आंटी। अच्छा मुझे ये बताएं कि बहुत सारे लोग जानवर लेके आते हैं, 70% लोग, 80% लोग कुर्बानियाँ करते हैं, लेकिन मेमन ही क्यों? मैंने अक्सर विजिट किया है कि मेमन जो कौम होती है वो इन्वेस्टमेंट बहुत करती हैं अल्लाह के राह में, जो काम होते हैं कुर्बानी के काम हो, ज़कात के काम हो, फितरे के काम हो, लोगों की मदद करनी हो, राशन बांटना हो, इतना पढ़ चढ़ के मेमन ही क्यों काम करते हैं? ये करते हैं कि हमारे मेमन ज़्यादा बिजनेस बहुत ज़्यादा करते हैं, हमारे बच्चे बच्चे बिजनेस करते हैं, हमारे गोल्ड में बिजनेस करते हैं, करेंसी के काम करते हैं, माशाल्लाह से सारे अच्छे मतलब प्रॉपर्टी का काम करते हैं, तो हमारे मेहमान है ही अमीर, और अल्लाह ने दिल भी बढ़ा दिया है, तो माशाल्लाह से बड़े बड़े जानवर काटते हैं, करते भी हैं, माशाल्लाह से रमज़ान की इफ्तारियाँ इतनी करवाते हैं, तरावियों में इतना खाना पीना करते हैं, कुर्बानियाँ इतनी करते हैं, माशाल्लाह लेना देना गरीबों की भी बहुत करते हैं, अल्लाह ताला ने ये सबको सआदत दी हुई है। और फिर हम लोग की कम्युनिटी में तो ऐसा है कि गरीब हो अमीर हो तो हम लोग सब ऐसा करते हैं कि हम सबको मतलब देना लेना ऐसा कर लेते हैं ना कि पता नहीं चलता कि हमारे में गरीब क्या है या अमीर क्या है, ये सब मिलना जुलना लेना देना करते रहते हैं हम लोग। वाह भाई वाह, क्या बात है आंटी ने, कितनी प्यारी बात बोली। लेकिन मैं आपको एक और प्यारी सी बात बताऊं कि अल्लाह पाक खास लोगों से खास काम लेता है, यानी कि अल्लाह पाक के लिए खास लोग जो हैं वो मेमन है, चुने हुए लोगों से लेता है, यानी कि अल्लाह पाक के खास और चुने हुए लोग जो हैं वो मेमन है, तो आप लोग भी मेमन को सपोर्ट करें। अच्छा आंटी आप इस वक्त जो है ना दी मेमन टीवी के लिए कुछ कहेंगे, इस वक्त जो दी मेमन टीवी आपको कवरेज दे रहा है, आपकी चीज़ें वीडियो दिखा रहा है, लोग लाइव देख रहे होंगे, तो आप उनके लिए कुछ कहना चाहती हैं? मैं इनके लिए कहना चाहती हूँ कि मेमन टीवी के लिए कि हम लेडीज़ के लिए भी कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए हम लोगों के लिए भी कि हम किसी प्रोग्राम के लिए या किसी शो के लिए या किसी चीज़ के लिए हम लेडीज़ को आगे बढ़ने का बहुत शौक है। सोशल के हिसाब से भी हमारे यहाँ के वर्कर्स इतना काम कर रही हैं और हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोगों को भाई आप इस टीवी के जरूर मेहमान हैं, हम बरादरी को बुलाएं, हम लेडीज़ आगे बढ़कर कोई भी खिदमत होगी वो कर सकेंगे, न्यूज़ पर कर सकते हैं हम लोग, कुकिंग चैनल पर कर सकते हैं काम, पार्लर वगैरह का काम कर सकते हैं, तो हमारे यहाँ बहुत सी लेडीज़ इस चीज़ में आगे बढ़ना चाहती है, तो आप लोग हमें सपोर्ट करें। थैंक यू। आपने आंटी के कमेंट सुने, आंटी ने क्या कहा कि हम खवातीन भी आगे जाना चाहती हैं, हम बहुत सारे काम करना चाहती हैं, न्यूज़ चाहे वो न्यूज़ हो, चाहे वो कुकिंग हो, चाहे वो कुछ भी हो। चलें आंटी का जज्बा देख लिया, आंटी का जानवर देखिए, चलें आपको कोई और जानवर दिखाते हैं।